वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से विच इज द बेस्ट प्रीमियम हैचबैक ऑफ इंडिया? कमेंट करके जरूर बताना। बट आपका आंसर जो भी हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपका आंसर जरूर चेंज होने वाला है, बिकॉज ऑल न्यू टाटा एल्ट्रोज इज द बेस्ट प्रीमियम हैचबैक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इसमें हमें फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, ग्लोबल एनकैप सेफ्टी एंड बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो आकर देखेंगे कि क्या टाटा एल्ट्रोज में नया है इन राइवल्स के कंपैरिजन में, जैसे कि फीगो, पोलो, बलेनो, i20। देखेंगे कि आखिर क्या नया है, हमें टाटा एल्ट्रोज लेनी चाहिए या फिर i20 बलेनो के फेसलिफ्ट का इंतजार करना चाहिए। इस वीडियो में हम डिटेल स्पेसिफिकेशन जानेंगे टाटा एल्ट्रोज के बारे में एंड कंपेयर करेंगे टाटा एल्ट्रोज को उसके राइवल्स के कंपैरिजन में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए कार या फिर बाइक के बारे में, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं mylakicar.in। एंड देन अगर आपको कुछ पूछना है कार या फिर बाइक परचेस करने से रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं parth.sony75। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजाइन काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, दैट मींस टू से इसके कॉम्पिटिटर जैसे कि फीगो, i20, बलेनो को काफी टफ कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। एंड देन बात करें इसके फ्रंट लुक की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी डुअल चेंबर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद हाई बीम लाइटनिंग एंड LED DRL सेट द फ्रंट एंड दोनों हेडलाइट्स को कनेक्ट करते हुए बीचों बीच दे रखी है टाटा की टिपिकली डिजाइंड स्पोर्टी शेप्ड ग्रिल्स विथ द ह्यूमिडिटी क्रोम लाइनिंग एट द बॉटम एंड द ब्लैक रूफ लाइनिंग एट द टॉप। कार के हुड में हमें काफी ज्यादा एजेस देखने को मिलती है, कार की लुक को जो और ज्यादा मस्कुलर बना देती है। एंड देन फॉग लैम्प की पोजिशनिंग इस बार नीचे ना करते हुए हमें बीचों बीच यानी कि मिडिल में देखने को मिलेगी। वेल कार की विड्थ है ऑलमोस्ट 1755 mm, काफी ज्यादा चौड़ी है, पीछे की तरफ तीन लोग बैठेंगे तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एल्ट्रोज का साइड लुक मुझे थोड़ी बहुत नेक्सॉन और टियागो की याद दिलाता है, कमेंट करके बताना कि आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है क्या। वेल साइड लुक की सबसे खास बात यह है कि एल्ट्रोज के डोर्स 90 डिग्री पे ओपन होते हैं, दैट मींस टू से कि आपको इंटीरियर में एंटर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पियानो फिनिश ORVMs और नीचे की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्रोम लाइनिंग दे रखी है, जो जताता है कि कार की डिटेलिंग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से की है। चूंकि एक ये डुअल टोन कार है, सो रूफ के साथ साथ यहाँ पे आपको नीचे यानी कि डोर के नीचे भी ब्लैक फिनिश टच देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ दे रखे हैं 16 inch के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जिनका डिजाइन काफी ज्यादा शानदार है। एंड एल्ट्रोज का ग्राउंड क्लियरेंस है ऑलमोस्ट 165 mm। वेल प्रीमियम हैचबैक होने के बावजूद भी इसके सस्पेंशन स्टिफ नहीं है कि यहाँ पे आपको गड्ढों का पता नहीं चलेगा, खासकर स्पीड ब्रेकर का। तो हम कह सकते हैं कि राइड वाइज यानी कि राइड क्वालिटी एल्ट्रोज की काफी ज्यादा शानदार है। एल्ट्रोज का बैक मुझे थोड़ी बहुत हैरियर की याद दिलाता है, क्योंकि वहां पे भी डिजाइन कुछ इसी तरीके का था। वेल बैक की हाइलाइटिंग ये है कि यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे स्प्लिट टेल लैम्प्स, जहाँ पे डिजाइन में यानी कि टेल लैम्प्स के ऊपर दे रखी है ब्लैक फिनिश लाइनिंग, और यहाँ पे हमें पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा रूफ एंटीना विथ द रियर वाइपर्स एंड द डेडिकेटेड स्पॉयलर्स एट द टॉप। एंड यहाँ पे बीचों बीच दे रखी है जस्ट एल्ट्रोज की बैजिंग जस्ट लाइक हैरियर। एंड देन यहाँ पे दे रखे हैं हमें बैक सेंसर्स या फिर हम कह सकते हैं पार्किंग सेंसर्स। अगर मैं बात करूं कार के ओवरऑल लुक की, तो डेफिनेटली कार के लुक्स काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं। एंड अगर इसको कंपैरिजन करें बलेनो, i20, फोर्ड फिगो या फिर वोक्सवैगन पोलो के कंपैरिजन में, तो मेरे हिसाब से एल्ट्रोज काफी ज्यादा कंपटीशन और काफी ज्यादा टक्कर देती है इन सारे कॉम्पिटिटर्स को। वेल मेरे हिसाब से एल्ट्रोज का डिजाइन इन सारी गाड़ियों से ज्यादा बेहतर है,
वेल डिजाइन के मामले में सबकी चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है आपको i20 या फिर बलेनो का डिजाइन ज्यादा पसंद आया हो, पर ये तो बात है कि एल्ट्रोज का डिजाइन काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। एल्ट्रोज की विड्थ है ऑलमोस्ट 1755 mm, एंड क्योंकि एक ये प्रीमियम हैचबैक है तो इसकी लेंथ है एज यूजुअल 3990 mm एंड हाइट है 1523 mm। सो डेफिनेटली इसके डायमेंशन के हिसाब से ये परफेक्ट कार है, एंड पीछे की तरफ यहाँ पे तीन लोगों में बैठने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, एंड मेरे हिसाब से इसकी हाइट भी डिसेंट है ऑलमोस्ट 1523 mm। सो यहाँ पे हमें हेडरूम डिसेंट देखने को मिल जाएगा एंड लेगरूम मोर देन सफिशेंट देखने को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इंटीरियर के मामले में ये कार काफी ज्यादा स्पेशियस है एंड इसकी डायमेंशन भी परफेक्ट है। वेल इंटीरियर काफी ज्यादा क्लासी है क्योंकि यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा ब्राइट एंड डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे कि डैशबोर्ड की बात करूं तो सबसे ऊपर की तरफ दे रखा है ब्लैक फिनिश टच, सबसे नीचे की तरफ दे रखा है व्हाइट फिनिश टच, एंड बीचों बीच आपको ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे सेंट्रल कंसोल और भी ज्यादा आई कैची है क्योंकि यहाँ पे हमें ब्लू कलर की एम्बियंट लाइटनिंग देखने को मिल जाती है अराउंड द एसी वेंट्स। सबसे ऊपर दे रखा है 7 inch का हेडअप डिस्प्ले जिसमें हमें टन्स ऑफ फीचर्स जैसे कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, एंड देन इट इज द फर्स्ट कार टू हैव द गूगल असिस्टेंट फीचर। मतलब कि ये पहली ऐसी प्रीमियम हैचबैक है जहाँ पे हमें गूगल असिस्टेंट का फीचर देखने को मिल जाएगा। वेल ये MG Hector जैसी तो नहीं है, बट हाँ आप इसको फोन से कनेक्ट करके थोड़े बहुत फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। यह फिलहाल मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के साथ आती है। यहाँ पे हमें राइट की तरफ देखने को मिल जाएगा फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील। यस, इसमें हमें क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड इट इज द ओनली कार टू हैव दैट वन। इसमें हमें ड्राइविंग के लिए दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इको मोड्स एंड नॉर्मल मोड। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको लॉन्ग ट्रिप के लिए कोई कार खरीदनी है तो डेफिनेटली आप एल्ट्रोज को प्रिफर कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं लूँ इसके सीट पॉइंट को तो डेफिनेटली इसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। सो आपको लॉन्ग ट्रिप के लिए या फिर अगर आपको अप डाउन के लिए कोई कार चाहिए तो मैं आपको एल्ट्रोज डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा क्योंकि इसकी सीटिंग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आपको यहाँ पे बैक में या फिर अंडर थाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसको लॉन्ग ट्रेवल करते हो तो। एंड देन ब्लू कलर की एम्बियंट लाइटनिंग आपको यहाँ पे पेडल्स में भी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल इंटीरियर काफी ज्यादा क्लासी है और आई कैची भी है। एंड देन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा एनालॉग RPM मीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, एंड बीचों बीच जो MID दे रखा है ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंटेंट करता है जैसे कि इको मोड है या फिर स्पोर्ट मोड है, ट्रिप मीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो ओवरऑल इसके इंटीरियर की तो यही कहानी है, एंड मेरे हिसाब से इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा क्लास लीडिंग है। यस, आई एक्सेप्टेड कि कुछ कार्स का जैसे कि i20 या फिर बलेनो का इंटीरियर इससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर आपको लग सकता है, बट मेरे हिसाब से ये कोई मेजर इशू नहीं है इसकी कमियां निकालने के लिए। सो ओवरऑल इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा क्लास लीडिंग है और आई कैची भी है। अब चलते हैं पीछे की ओर। सो यहाँ पे पीछे की तरफ हमें सीट्स फ्लैटन देखने को मिलती है, इसका मतलब यहाँ पे आपको अंडर थाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप सोच रहे हो कि आगे एक ड्राइवर रखने की एंड पीछे की तरफ बैठने की तो डेफिनेटली आप इस कार को परचेस कर सकते हो क्योंकि पीछे की सीट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। एंड देन यू विल गेट दी एडजस्टेबल हार्म रेस्ट, एंड जैसा कि मैंने बताया था इसकी हाइट है ऑलमोस्ट 1535 mm, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको हेडरूम में तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एंड बात करूं अगर लेग रूम की तो आपकी हाइट 6'6" भी है तो डेफिनेटली आप नो डाउट बहुत ही अच्छे से बैठ के जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट रूट के लिए तो बेस्ट है ही सही, बट लॉन्ग रूट के लिए भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। सो मेरे हिसाब से आप टाटा एल्ट्रोज को डेफिनेटली प्रिफर कर सकते हो ओवर दी बलेनो एंड i20। डेफिनेटली कार का डिजाइन तो काफी क्लास लीडिंग है ही सही, इंटीरियर भी काफी आई कैची है। सो ये तो बात हो गई इसके इंटीरियर की या फिर एक्सटीरियर की। अब इसमें हमें पावर देखने को मिलेगी या फिर नहीं, वेल इसमें हमें पेट्रोल एंड डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। पेट्रोल में हमें मिलता है 1.2 लीटर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 86 PS या फिर 83 BHP की विथ 113 Nm ऑफ टॉर्क। एंड डीजल में हमें मिलता है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड रिवो टॉर्क डीजल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 90 PS की विद 200 Nm ऑफ टॉर्क।
सो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादा नहीं है तो आप पेट्रोल इंजन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस लैक्स तो डेफिनेटली पेट्रोल इंजन में देखने को मिलेगा, बट हाँ डीजल में क्योंकि हमें टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिलता है तो आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो डीजल इंजन प्रिफर करना चाहिए। अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादा है, हाईवे पे मूव करना है तो यू विल प्रिफर डीजल इंजन, ड्राइविंग कम है तो देन यू विल प्रिफर द पेट्रोल वाला। अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर की। इसका सबसे पहला सेफ्टी फीचर है इसका आर्किटेक्चर। एक्चुअली ये अल्फा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, इंडिया की पहली कार। अल्फा का मतलब होता है एगाइल लाइट फ्लेक्सिबल एडवांस आर्किटेक्चर। एगाइल का मतलब है इट इज फन टू ड्राइव कार, लाइट का मतलब है इसका आर्किटेक्चर काफी ज्यादा लाइट वेट है, एफ का मतलब फ्लेक्सिबल, दैट मींस टू से जिस आर्किटेक्चर पर ये बेस्ड है इसी आर्किटेक्चर पर हम सेडान भी बना सकते हैं, एसयूवी भी बना सकते हैं एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी भी बना सकते हैं। एंड एडवांस का मतलब ये है कि इसी प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रिक कार भी बन सकती है एंड हाइब्रिड कार भी बन सकती है। तो इट विल बी द फर्स्ट कार टू हैव द अल्फा प्लेटफॉर्म। सेकंड, यहाँ पे हमें डुअल एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। थर्ड, आईसो फिक्स एंकर्स। फोर्थ पॉइंट, रिवर्स पार्किंग असिस्ट विद अल्ट्रासोनिक सेंसर्स एंड कैमरा। एंड फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे हमें आइडियल स्टॉप स्टार्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गई प्राइमरी सेफ्टी फीचर्स। देन यहाँ पे हमें इंटरनल सेफ्टी फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं, देन यू विल गेट ABS, EBD एंड CSC। CSC का मतलब होता है कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोलर। ये एक्चुअली ट्रैक्शन कंट्रोल का ही भाई है, टाटा ने इसको नाम दिया है कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल। एक्चुअली ये कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल अंडर स्टीयर और ओवर स्टीयर के फिनोमिनन को रोकने की कोशिश करता है, यानी कि कार की स्पीडिंग के समय अगर आपको शार्प टर्न लेना है तो ज्यादा ब्रेक लगाने की जरूरत ना पड़े और कार ओवर स्टीयर एंड अंडर स्टीयर ना हो। तो CSC यानी कि कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल का यही मेन काम है। सो यही है टाटा एल्ट्रोस के ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स। So guys, this is all about the all new Tata Altroz. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो एंड देन कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट एंड प्रीमियम हैचबैक है एंड फिलहाल आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।